समुद्र की गहराइयों में कब क्या किसी को मिल जाए ये कोई नहीं जानता है। एक बार जापान के स्कूबा डाइवर को ओशियन की गहराइयों में डोरेमोन सा दिखने वाला रोबोट मिलता है जो काफी साल पुराना लग रहा था, और हैरानी की बात यह है कि ये रियल वाले डोरेमोन से पूरा मैच खा रहा था और साथ ही काफी ज्यादा क्रीपी भी था। साल 1993 में डोरेमोन की एक मूवी लॉन्च की जाती है जिसका नाम था नोबिता एंड द लिब्रेंज टूर। इस मूवी में सेम यही कहानी दिखाई जाती है और साथ ही डोरेमोन को समुद्र के अंदर भी जाता हुआ दिखाया जाता है। समुद्र की गहराइयों में जो हमें डोरेमोन सा दिखने वाला स्टैचू मिला है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये रियल है या फेक? और मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी और मेरी ये जो बॉन्ड है डोरेमोन के साथ ठीक वैसे जुड़ी है जैसे कि बचपन में जुड़ी हुआ करती थी। तो चलो आज हम डोरेमोन के बचपन की मिस्ट्री का खुलासा कर लेते हैं। दरअसल बात है साल 2022 की, जब ट्विटर पर एक पोस्ट किया गया और इस फोटो को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये फोटो किसी डोरेमोन के स्टैचू के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन समस्या की बात यह है कि इस फोटो में सभी कुछ जापानीज भाषा में लिखा हुआ है। तो चलो आज हम इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं आखिरकार इस पोस्ट में क्या लिखा है। मैं आपको बता दूं कि इस फोटो में साफ साफ लिखा था कि जापान के एक शख्स को स्कूबा डाइविंग करने के दौरान समुद्र की गहराइयों में उसे डोरेमोन सा दिखने वाला रोबोट मिला था। पहले यह उस शख्स को डोरेमोन सा दिखने वाला किसी खिलौने की तरह लग रहा था, लेकिन जब उसने इसके पास जाकर देखा तो उसको पता चला कि या तो रेत में दबा हुआ है। जब उसने इसको बाहर निकालने की कोशिश की तो उसको पता चल गया कि डोरेमोन सा दिखने वाला कोई खिलौना नहीं है बल्कि किसी मेटल का बना हुआ एक रोबोट है जो कि काफी भारी था। डोरेमोन सा दिखाई देने वाला इतने भारी स्टैचू का अकेले उस शख्स की बस की बात नहीं थी कि इसको निकाल कर बाहर ले जा सके, तो उसने सोचा कि इसको छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। लेकिन जाने से पहले उसने कुछ फोटो इस स्टैचू को क्लिक कर ली थी, के बाद उस शख्स ने जो फोटो क्लिक की थी उनको इंटरनेट पर अपलोड कर दी, और अपलोड करते ही ये सभी फोटो वायरल होने लगी और लोगों के बीच में खलबली सी मच गई कि डोरेमोन सा दिखने वाले इस स्टैचू की आखिर मिस्ट्री क्या है। स्टैचू वाली बात जब साइंटिस्ट को पता लगी तो उन्होंने काफी सारे लोगों की एक टीम बनाकर समुद्र के अंदर भेजी ताकि इस स्टैचू को बाहर निकाला जा सके। इसके बाद इस स्टैचू को लैब में रख दिया गया ताकि इस पर रिसर्च की जा सके। साइंटिस्ट ने जब इस पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये स्टैचू तो हमारी आज की टेक्निक से कई साल पुराना है। साइंटिस्ट को पता चला कि ये डोरेमोन तो 450 साल पुराना है। जब ये बात लोगों को पता चली तो उन्होंने कहा कि डोरेमोन तो टाइम ट्रेवल करके आया होगा, नहीं तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर आप लोग डोरेमोन की इस मिस्ट्री को आज भी इंटरनेट पर सर्च मारते हो तो उस पर यही लिखकर आएगा कि डोरेमोन एक टाइम ट्रेवल करके आया था।